नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडियन बैंक या फिर किसी भी बैंक का करंट अकाउंट को कैसे आप खोल सकते। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। सिंपल यही है कि सेविंग अकाउंट में आपका लिमिटेड ट्रांजेक्शन होता है, आपको जो है कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन दिया जाता है, मतलब आप अनलिमिटेड एटीएम पे जाके पैसे नहीं निकाल सकते, अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे करेंट अकाउंट में आपको जो है, ये करेंट अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट होता है जिसके अंदर आप जितना भी चाहो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। तो यदि आपका कोई बिजनेस है या फिर जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, आप डेली ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपके लिए करंट अकाउंट बेस्ट है, चाहे आप जो भी बैंक में खोलिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है यही आपका फर्क है सेविंग और करंट अकाउंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो आपका रहेगा, एक पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, और दूसरा है आपके पास आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। ये दो होने के बाद में आप किसी भी बैंक में जो है अपना करेंट अकाउंट को आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप यदि ऑनलाइन खोलना चाहते हैं करेंट अकाउंट, तो बहुत ही कम बैंक आपको ये सुविधा देता है। तो और ज्यादातर आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो आपको ऑफलाइन ही करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, आपको करंट अकाउंट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके उसे डाउनलोड कीजिए और फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, जेरोक्स कॉपी आप अपने साथ में लेके बैंक में चले जाइए, जो ब्रांच में आप खोलना चाहते हैं, और वहां में जाने के बाद में सबमिट कर दीजिएगा, आपका करेंट अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना करेंट अकाउंट को आसानी के साथ खोल सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप चाहो तो आपका बैंक का टोल फ्री नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।